भारत में मानव सभ्यता का उद्भव प्रमाणिक तौर पर पाषाण काल से मिलता है। वैसे उस सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, फिर भी उस समय मानव होने का काफी प्रमाण वर्तमान समय में उपस्थित है, जिसे कोई भी अपनी आंखों से देखकर मानव होने का एहसास कर सकता है। लिखा हुआ कुछ भी न होने के चलते इसे प्रागैतिहासिक काल का इतिहास कहते हैं। पाषाण युग वो युग है जब मानव पत्थरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता था, जैसे पत्थरों के बनी गुफा में रहना, पत्थरों के बने औजार से जानवरों का शिकार करना, पत्थरों को टकराकर आग पैदा करना। पाषाण काल को भी विस्तार से समझने के लिए इसे भी तीन श्रेणी में रखा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए इन्हें बारी बारी से समझते हैं। पुरापाषाण काल प्राग ऐतिहासिक युग का वो समय था जब होमो सेपियंस के उदय और उसका आरंभिक विकास हुआ। इस समय मानव ने जानवरों के शिकार के लिए नुकीले पत्थर को औजार के रूप में उपयोग करना सबसे पहले शुरू किया था। इस दौरान मानव बनने का क्रमिक विकास हो रहा था। इस काल के बाद से मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मनुष्य के विकास का वो अध्याय जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। कुछ विद्वान इस काल को 40,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक मानते हैं। तीसरा है नवपाषाण काल, मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 8,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे प्रारंभिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में शैल चित्र का निर्माण होने लगा था जो आज पहाड़ी क्षेत्रों की गुफा में काफी मिलता है, लेकिन आज के कुछ ज्यादा ही स्वार्थी भ्रमशील इतिहासकार हैं जो इस प्रकार के बने चित्रों को किसी मान्यता से जोड़कर प्रभाषित करने का दिन रात प्रयास करते रहते हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका और देवरकोटार की पहाड़ी गुफा में मिलने वाले कुछ चित्रों को दिखा रहा हूँ, उसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। पाषाण कालीन युग में गुफा में रहने वाला मानव अगर कोई चित्रकारी करता है तो क्या वो आज के भ्रमशीलों के काल्पनिक कथा पात्र राम, सीता, कृष्ण या अर्जुन के सभ्यता वाला पात्र का सदस्य बन जाएगा? पाषाण सभ्यता की खोज अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के ये तथाकथित ज्ञानी मनीषियों ने किसी को भी पाषाण काल जैसी कोई सभ्यता की जानकारी नहीं दी थी। उसके पहले तो ये तथाकथित ज्ञानियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से करोड़ों वर्ष पहले की सभ्यता का नाम सतयुग और द्वापर रखा था, जिसमें काफी विकसित संस्कृति और उड़न खटोला से चलने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। अरे गढ़पुरी ज्ञानियों, तुम्हारे पूर्वजों के पास तो अग्निशास्त्र, मिसाइल, चक्र, विशाल गदा से लैस सभ्यता वाले लोगों का वर्णन है, फिर वैसी सभ्यता की जगह पर गुफा में रहने वाली पाषाण सभ्यता का मिलान तुम लोग कैसे कर रहे हो? पाषाण काल के समय तो तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। फिर उस चित्रकारी से सतयुग और द्वापर के पात्रों की युगलबंदी करने वाले गपोड़ी लोगों, आपके पूर्वज लोग कपड़ा कैसे पहनते थे? पाषाण काल के बाद एक संस्कृति और मिलती है। इस सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसेन द्वारा किसी कार्य करने के दौरान मिली थी। इसके बाद 1856 में कनिंगम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इस सभ्यता को लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार से खुदाई 1921 में शुरू हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1100 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य शुरू हुआ, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्र में आता है। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिली सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इस सभ्यता की अपनी लिपि थी जिसका काफी साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से पढ़ने के लिए सभी प्रयास अभी तक असफल रहे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फिर भी आज के इन गपोड़ी अनुवायी इतिहासकार उस समय के मिले चित्रों को द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते। चलिए इनके दावों को भी देख लेते हैं। सिंधु काल की सभ्यता पाषाण काल की सभ्यता से मिले प्रमाणों से काफी ज्यादा विकसित सभ्यता दिखती है। सिंधु सभ्यता में लिखावट के काफी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इस लिखावट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। फिर भी इन गपोड़ियों का संगठन गिरोह पाषाण काल के मिले सैव चित्रों के जैसा यहाँ से जो प्राप्त सभी साक्ष्य हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित कर सतयुग और द्वापर के कथा वाले पात्रों से मिलाते हुए विवेचना कर रहे हैं। गपोड़ी गिरोहों को ऐसा करने का एक ही मकसद है कि आज बहुसंख्यक वर्गों से मिलने वाला आर्थिक दान, सामाजिक सम्मान, राजनीतिक पहचान जिंदा रहे, बरकरार रहे और ऐसे ही चलता रहे, या आज से भी ज्यादा ऊंची मुकाम पाए ताकि बहुसंख्यक वर्ग और ज्यादा कमजोर बनते हुए मेरा मानसिक गुलाम बने। वैसे सिंधु सभ्यता शुद्ध रूप से बौद्ध सभ्यता थी, जिसमें मिले स्तूप और साधनारत पुरुष का विस्तार से मैं एक अलग ही डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी ब्राह्मिकों का कुछ और ब्रह्म समय के मिले कुछ प्रमाणों पर, जिसमें आग जलने का बैल का चित्र किसी गाड़ी के चक्के का साक्ष्य मिला।
जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आप लोगों ने पहले ही पाषाण काल के बने सेल चित्र पर इन लोगों की दावेदारी देखी। उसी तरह से यहाँ भी कुछ भ्रमकों के अनुयायी अपनी काल्पनिक मान्यता की वजह से कुछ चित्रों को ये कहते हैं कि यह हवन कुंड है, महादेव जी का नंदी बैल है और महाभारत के कृष्ण का रथ हो सकता है। यार, हो सकना और होना इनमें कितना अंतर है, इस बात की समझ आप लोगों को पता होगी। सबसे पहली बात कि भ्रमकों का सतयुग या द्वापर युग जब उन्नत था उस समय प्लास्टिक सर्जरी होती थी, टेस्ट ट्यूब बेबी होता था, रॉकेट विज्ञान की जानकारी थी, उड़न खटोला का आविष्कार कर दिया था, विश्वगुरु था। फिर आज अपने वजूद को स्थापित या प्रमाणित करने के लिए तुम लोग इतने छल प्रपंच के झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो? सत्ययुग और द्वापर काल को इतना ज्ञानवान बताने वालों, तुम्हारे द्वारा लिखित कथा के पात्रों को लिखना नहीं आता था क्या? तुम लोग तो अपनी सभी पुस्तकों के माध्यम से सत्ययुग और द्वापर युग वाली कथा के पात्रों से ज्ञानमयी वर्षा करवाते रहते हो, फिर वो सारा ज्ञान आज कहाँ खो गया? उस समय का कौन सा लिखित साक्ष्य तुम लोगों को मिला? श्रुति भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस काल की जानकारी तो अंग्रेजों के आने के बाद हुई है। फिर तुम लोग कैसे और किस आधार पर आज इतना प्रचार कर रहे हो? तुम लोगों ने समाज में इतना भ्रम फैला दिया है कि आज हर चित्र के साथ स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अब इस अग्नि वाले चित्र को देखो, इस चित्र को गौर से देखो। ये घर के अंदर पूरे कमरे में अग्नि जलने का प्रमाण है। उस कमरे के आसपास कोई तंत्र मंत्र लिखा हुआ मिला है क्या? नहीं मिला। बगैर मंत्र का कहीं भी आग जला हुआ मिले तो क्या उसे भ्रम बनाकर तंत्र मंत्र से जोड़ना सही रहेगा? अरे गपोड़ियों के वंशजों, आज तुम लोग ऐसा कभी पूरे कमरे में आग जलाकर कोई कर्मकांड करते हो क्या? तुम लोग तो आज खुले में तंत्र मंत्र करते हो। आप सभी ने भी देखा होगा, जब कभी यज्ञ हवन का अनुष्ठान किया जाता है तो घर के बाहर खुले में किया जाता है, ताकि उसका धुआं, अग्नि की धूल वगैरह आसमान में जाए। आपने कभी यज्ञ अनुष्ठान को घर के अंदर होते हुए देखा है क्या? तुम लोग तो हाथी का पैर पकड़कर पेड़ का तना बताने वाले लोगों में से हो। तुम लोगों को क्या पता कि घर में इस हवन कुंड का मतलब क्या है? तुम लोगों की बेचैनी देखकर लगता है कि कहीं मुर्दा जलने का प्रमाण या कोई खाना बनाने का निशान या ईंट भट्टे की जली हुई पहचान को भी किसी कर्म कांड स्थल से जोड़कर बता सकते हो। तुम लोगों की बेचैनी देखकर हंसी आती है कि भला कोई अपने पूरे घर में आग जलाकर कर्मकांड करेगा क्या? आज के इस आधुनिक युग में आप भारत के किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में अधिकतर घर ऐसे होंगे जो अपने घर के किसी कमरे में आग जलाते होंगे। कभी समय मिले तो गांव में चले जाना, वैसा नजारा देखने को आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इन गपोड़ियों को तो सिर्फ भ्रम का मायाजाल फैलाने से मतलब है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा सिंधु सभ्यता की खुदाई से मिला एक सील है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिस पर बैल का चित्र बना है। फिर क्या था, सभी ब्रह्मादि उस बैल के चित्र को देखकर आदि शंकर द्वारा स्थापित मायावाद वाली शैव पंथ के शंकर पार्वती के नंदी बैल से मिलान करने लगे। भ्रम का जंजाल फैलाने वालों, खेती करने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से पहले मिला है। इस बात की जानकारी तुम लोगों को हो या नहीं हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जान लो कि सिंधु सभ्यता से पहले बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ की सभ्यता मिली है, जिसमें खेती और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि खेती बैल से होती है। मेहरगढ़ से लेकर आज तक जो भी खेती करने वाले किसान हैं, वे सभी बैल का उपयोग करते हैं। बैल से अन्नदाता किसानों का जीविकोपार्जन होता है, इसलिए अन्नदाता वर्ष के प्रारंभ में अपने बैलों की पूजा करते हैं। अब तुम लोग खेती करने वाले अन्नदाता किसान के घरों पर जाकर बैलों को तो देख ही सकते हैं। कुछ किसान बैलों को सजा सवार कर रखने के मिजाज वाले होते हैं, इस वजह से वैसे बैलों की खूबसूरती देखते बनती थी। वैसे बैलों का अगर फोटो भ्रमकों को मिल जाए तो ये लोग खुद शंकर बनकर तांडव करने लगेंगे। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा को जोड़ तोड़ करते हुए करोड़ों वर्ष पूर्व द्वापर युग जो एक मान्यता है, उसके रथ को बागपत यानी जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है उसे साबित करने में लगे, वो भी सिंधु सभ्यता काल की। क्या सिंधु सभ्यता ही द्वापर युग थी? फिर तो सिंधु सभ्यता में द्वापर युग वाले कुछ साक्ष्यों का मिलना और होना चाहिए था। तुम्हारे रथ वाले का नगर मिला, रथ वाले की कोई मुद्रा मिली, कोई सील मोहर मिली, गीता ज्ञान का लिखित अभिलेख मिला, आखिर ये सब जानकारी तुम लोगों को कैसे हुई? ये रथ इनके पूर्वजों द्वारा लिखित एक काल्पनिक कथा में सृष्टि के रचयिता का है। ये सोचकर ही कितना हंसने वाली बात है, जो खुद सृष्टि का रचयिता हो और उसके द्वारा उपयोग में लाया गया रथ को सत्यापित करने के लिए आज भ्रमकों को सत्ता और शिक्षा को झूठ बनाना पड़ रहा है। जब उसने सृष्टि का निर्माण करके सभी का प्रमाण छोड़ा तो फिर अपने रथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गीता ज्ञान को लिपिबद्ध क्यों नहीं किया? इसकी जानकारी तुम सभा को आज कैसे मिली ये तो बता दो। जिस पाषाण काल में मनुष्य कपड़ा विहीन रहता था, उसके लाखों वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वज रथ से दौड़ते थे। झूठ फैलाने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन गांजा भांग का सेवन करने वाले भाटों ने उसको भी मजाक बनाकर छोड़ दिया। ये लोग अपने पूर्वजों द्वारा लिखित कथा के पात्रों का मुख्य साक्ष्य जैसे मुद्रा, मृदभांड, अभिलेख, नगर, राज्यादेश, किसी दूसरे देश के यात्री का यात्रा वृतांत, इन सबको ना दिखाकर झूठ को सच साबित करते रहते हैं।
अपने झूठे ज्ञान को बचाने के लिए कभी ये लोग समुद्र के अंदर मिले कोरल पत्थर को राम सेतु बताने लगते हैं, तो कभी किसानों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बैलगाड़ी के पहिए को रथ का चक्का, तो कभी किसी बैल को शंकर का नंदी, तो कभी साधनारत पुरुष को शिव शंभु। ये लोग अपने बनाए हुए पूर्वजों के भ्रम जाल को अपने सामने टूटते हुए देखकर एकदम से उतावले हो गए, जिस वजह से भांग गांजा के नशे में कुछ का कुछ जोड़कर दिखाने में मस्त है। तो ये रहे कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य जिन्हें गपोड़ियों ने आपके सामने झूठ बनाकर पेश किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं इनके झूठ का पर्दाफाश जरूर करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।